इनसेट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, अगर आप MBBS के बाद इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करना चाह रहे हो तो आपको इन्हीं सेट का एग्जाम देना होता है। नीट PG से आप जो है इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में आपकी एडमिशन हो जाती है, लेकिन अगर आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स दिल्ली है, जैसे कि जिपमर है, जैसे कि PGI चंडीगढ़ है, जैसे कि निमहांस है, जैसे कि श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है त्रिवेंद्रम, तो आप इन इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो PG पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आप जो है आपको इनसेट का एग्जाम देना होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में यहां पे MD MS MD MCH MDS MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन जैसे कोर्सेज में PG कोर्सेज यहां पे देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। इनसेट एग्जाम साल में दो बार होता है, एक जनवरी सेशन होता है और दूसरा जुलाई सेशन होता है। जुलाई सेशन का एग्जाम जो है वो मई में हो जाता है और इसके अभी फॉर्म निकल गए हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लीजिए। 15 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट रखी है। इनसेट के थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि MD है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS है मास्टर ऑफ सर्जरी, तो ये दोनों जो है 3 ईयर कोर्सेज होते हैं। आप चाहे तो MD कर सकते हो जो कि है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो कि स्पेशलिटी कोर्सेज है, ये सीधे 6 ईयर्स का होता है। इसी तरह से आप MCH कर सकते हो जो कि है मास्टर्स ऑफ चिरुगे, जो कि MS के बाद होते हैं, ये भी 6 ईयर कोर्सेज है। इसी तरह से आप MDS कर सकते हो मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि फिर से 3 ईयर कोर्सेज है। इसी तरह से आप MD कर सकते हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, इस जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर्सेज आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जिसमें आते हैं एम्स दिल्ली और बाकी एम्स आते हैं, बाकी 18 एम्स इसके अंदर आते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे जिपमर देखने को मिलता है, जो कि है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि पुडुचेरी में है। इसी तरह से यहाँ पे आपको निमहांस देखने को मिलता है, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि बेंगलुरु में है। इसी तरह से यहाँ पे आपको PGI चंडीगढ़ देखने को मिलता है, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसी तरह से यहाँ पे आपको श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में है, वहाँ पे आप यहाँ पे इन इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकती है। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एम्स का, सारे एम्स का लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एम्स नियर दिल्ली है टॉप पे, फिर उसके बाद है एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स बीबीनगर, एम्स बठिंडा, एम्स दियोघर, एम्स मनगलागिरी, एम्स रायबरेली, एम्स कल्याणी, एम्स बिलासपुर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स राजकोट, एम्स जम्मू। इसी तरह से यहाँ पे जिपमर लिखा हुआ है, फिर है निमहांस, फिर है PGMR और STI MCT, जो कि है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत बड़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है केरला के अंडर। तो यहाँ इन इंस्टीट्यूट में आप इनसेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो अपनी PG कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले हम इनसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल के लिए हर कैंडिडेट का MBBS या BDS डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका 1 साल का इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर 31 जुलाई 2025। अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है तो आप ये फॉर्म मत भरना, क्योंकि अगर बाद में इनको पता लग गया तो आपको बैन कर दिया जाएगा, फ्यूचर इनसेट एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। तो इसी तरह से अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स एग्रीगेट आपकी होनी चाहिए MBBS एंड BDS में। इसी तरह से दूसरे कैटेगरी जैसे OBC है, EWS है, उनके लिए 55% मार्क्स आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए। इसी तरह से अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है तो उस कैटेगरी के हिसाब से उनका, अगर SC ST में बिलोंग करते हैं तो 50%, अगर OBC AWS या जनरल से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स उनको एग्रीगेट लानी होगी।
अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इनसेट जुलाई सेशन की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 को शाम के 5 बजे तक रखी है, तो आप 15 अप्रैल से पहले पहले ही इसका फॉर्म भर दीजिए। इसका फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होती है, फिर उसके बाद जो है आपको एग्जाम यूनिक कोड जनरेट करना होता है, फिर उसके बाद अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके फॉर्म को कम्प्लीट करना होता है। तो जिन बच्चों ने जनवरी सेशन का एग्जाम दिया है उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना एग्जाम यूनिक कोड फिर से जनरेट करना होगा। पिछले वाला जो जनवरी सेशन का जो एग्ज़ाम यूनिक कोड है वो यहाँ पे इनवैलिड है, आपको अलग से जनरेट करना होगा। फिर उसके बाद जो है अपना बाकी फॉर्म अपलोड करके, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपना फॉर्म फिल कर देनी होती है। जो बच्चे जो कैंडिडेट जो है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होगी, 15 अप्रैल से पहले पहले उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। फिर 1 अप्रैल से जो है उनकी एग्ज़ाम यूनिक कोड जो है वो जनरेट हो पाएगा। फिर उसके बाद जो है 16 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच में आप अपना करेक्शन विंडो खुलेगी, आप वहाँ पे करेक्शंस वगैरह कर सकते हो। तो आपका फाइनल जो स्टेटस आएगा, एक्सेप्टेंस का जो एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस आएगा वो आप 19 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक आप देख सकते हो। वहाँ पे जो है 19 अप्रैल तक आपकी फाइनल एक्सेप्टेंस, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो आप जो है 25 अप्रैल तक अपना बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करके आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देनी। फिर उसके बाद 19 अप्रैल को आपका कंप्लीट एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो शो होने लगेगा। 10 मई से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे और 17 मई को सैटरडे के दिन जो है आपका इनसेट का एग्ज़ाम होने वाला है और 24 मई को आपका इनसेट का रिजल्ट भी निकलेगा। फिर उसके बाद सीट एलोकेशन वगैरह का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इनसेट का एग्ज़ाम जो है CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल करेक्ट आंसर भी होता है और मल्टीपल करेक्ट आंसर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन 200 क्वेश्चंस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर सेक्शन के लिए 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। 45 मिनट्स ख़त्म होने के बाद जो है आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो खुल जाता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। आपको वहाँ पे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 45 मिनट का ख़त्म होने के बाद जो है आपका फिर से नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। इसी तरह से आपको जो है एक टाइम पे एक ही सेक्शंस आपको करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर्स के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है और गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स जो है आपकी कट जाती है, और अगर आपने अनआंसर छोड़ दिया है, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है, तो उसके लिए कोई भी मार्किंग नहीं होती है। से अगर हम इनसेट जुलाई सेशन 2025 की फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, तो जनरल OBC फॉरेन नेशनल ओवरसीज कैंडिडेट स्पॉन्सर एप्लीकेंट उन सभी के लिए 4,000 रुपीज़ फीस रखी है। SC ST EWS एप्लीकेंट्स के लिए 3,200 रुपीज़ फीस रखी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी फीस नहीं भरनी।